नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुजरा से प्रथम पाठ सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत श्लोक से हमें अच्छी बातों तथा अच्छे गुणों की ओर प्रेरित किया गया है, अर्थात इस श्लोक में हमें यह बताया गया है कि हमें हमेशा अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। अच्छे गुणों वाला व्यक्ति हमेशा पूजनीय होता है, अर्थात वह हमेशा अच्छा ही बनकर रहता है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणो प्राप्यं भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रमाशाद्य भवन्ति पेया। अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुण गुण ही होते हैं, वे ही गुण गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां पर्वतों से स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती हैं। इसलिए मनुष्य को अच्छे गुणों वाला आचरण करना चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणन खादंतपि जीवमान तद्भाग ध्येय परम पशुनाम। साहित्य संगीत तथा कला कौशल से रहित व्यक्ति वास्तव में बिना पूंछ व सींग वाला पशु के समान है, जो घास न खाता हुआ भी जीवन जी रहा है। यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है जो कि उन्हें मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए हमें कला संगीत कौशल में रुचि लेनी चाहिए। लुब्धस्य नश्यति यस पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रिय यस्य कुलमर्थ परस्य धर्मम विद्याफल व्यसनिन कृपणस्य सौख्या राज्य अप्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गए हों, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख तथा जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे, मित्रता चाहिए तो दूसरों की चुगली न करे, धर्मचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व न दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के लापरवाह न हो। पीत्वा रस तु कटुक मधुर समाना माधुर्यमेव जनिये मधुमक्षिकाशो संतस्थेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सूक्ति रस सृजन्ति। अर्थात जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे फूलों का अथवा मीठे रस को समान रूप से पीकर उसमें मिठास उत्पन्न करती है या मधुर रस उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनकर मधुर सूक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं, अर्थात सुंदर वचन ही सुनाते हैं। महता प्रकृति सह वर्धिताना परे रवि न जहाति निज भाव संख्यासु लाकृति अर्था। अर्थात दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर महापुरुषों का स्वभाव अपने भाव का त्याग नहीं करता, जैसे संख्याओं में नौ का आकार है। इसलिए प्रशंसा पाने पर भी महापुरुष अपना सरल एवं विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। स्त्रियां रोचमानाय सर्वतद् रोचते कुलम तस्य रोचमानाय सर्वमेव न रोचते। अर्थात स्त्री के प्रश्न रहने पर संपूर्ण कुल आनंदित रहता है तथा उसके दुखी रहने पर या अच्छा न लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। धन्यवाद।